विधानसभा में ध्वज। मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव, सत्ता के संग्राम में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि यहाँ पर अब निर्णायक लड़ाई चल रही है और यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं, जो आंकड़े जो चौंकाने वाले भी है, जो आंकड़े यहाँ ये बताने वाले भी हैं कि यहाँ पर कुछ और अलग करना चाहिए था। अगर आपको यहाँ पर जनाधार चाहिए था, बीजेपी या एनडीए गठबंधन जरूर 294 सीटों पर वर्तमान में आगे चल रहा है, पर अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले 14 और 19 चुनाव की बात करें तो बीजेपी खुद का बहुमत लेके आई थी, एनडीए को अलग करके खुद का बहुमत था। पर इस बार अगर बात करें तो बीजेपी 240 सीटों पर यहाँ पर फिलहाल है, जो कि यहाँ पर सोचने वाली बात है। और जिस तरह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बीजेपी के लोग नकार रहे थे और कह रहे थे नहीं, इंडिया गठबंधन को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, वही इंडिया गठबंधन यहाँ पर 105 सीटों की बढ़त के साथ 232 पर काबिज है। यानी वहां पर भी उत्साह का माहौल है और जोर तोड़ की बात भी चलने लगी है और सरकार बनाने की इच्छाएं वहां भी हो रही है। यहां तक कि राहुल गांधी यहां जा रहा है कि अभी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो मुकाबला था, जो तरफा बताया जा रहा था, वो मुकाबला यहाँ पर कांटे का हो गया है। यहाँ पर एग्जिट पोल के जो दावे थे वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं धराशायी हुई है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के मंसूबे थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, अब की बार 400 पार की हवा भी निकल चुकी है। खैर, बहुमत में तो है पर जो दावे किए गए थे कहीं ना कहीं उनसे दूर है, क्या कारण है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम सीटें ऐसी भी हैं जिसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जनता ने उन सीटों पर कुछ अलग ही मन बनाया है। और अयोध्या सीट की बात करते हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया, उसके बावजूद जो स्थिति है वो चौंकाने वाली है। यानी राम मंदिर की जो बात लगातार बीजेपी कर रही थी उसको भी यहाँ पर फिलहाल नकारा है जनता ने। वहां पर जीत अभी किसी को हासिल नहीं हुई है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचने वाली बात जरूर है। मंथन जरूरी है, सरकार जिसकी भी बने, पर यहाँ पर मंथन मेरे ख्याल से बीजेपी ज्यादा करेगी, कि अभी तक बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है एनडीए की। अगर बात हम अलग करके देखें तो महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबको रूबरू करा दो। आज की चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से उनके सबसे अनुभवी और काबिल प्रवक्ता अश्विन शाही जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ आमिर साबरी रालो से अपना पक्ष रखेंगे, हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री पत्रकार रूप में अपनी राय देंगे, हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे और अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश पटेल यहाँ पर आम आदमी पार्टी से कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर अश्विनी शाही से लेता हूँ। अश्विनी भाई, क्या देखते हैं भाई, कोई कमी रह गई, समस्या रह गई या मुद्दे हावी हो? देखिए गौरव भाई, कुछ जरूर कारण रहा होगा कि हम अपने बल पर बहुमत पर पहुंचने में नाकाम रहे अभी तक रुझानों में, भारतीय जनता पार्टी जी अभी तो ये रुझान है, अभी इसमें जो है रिजल्ट नहीं है, ये तो अपने बल पर पहुंचने में रुझानों में हम कहें, लेकिन एनडीए हमारा बहुमत में पहुंचा हुआ है ये भी सामने दिख रहा है रुझान में, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। अब देखिए, कोई होता क्या है कि 1984 के बाद 2014 तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी कि जो बहुमत की सरकार आई हो। माननीय मोदी जी की पहली सरकार 14 में और दूसरी सरकार 19 में बहुमत में आई, और अभी भी लगातार तीसरे में अगर 240-41 पर हमारा अकेले दिखाया जा रहा है और एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है, तो एनडीए ही एक ऐसा है जिसका विसर्जन नहीं हुआ था। अटल जी के समय से बनी थी एनडीए और आज भी एनडीए कायम है, दल निकलते रहे, जाते रहे, उसमें जुड़ते रहे, तो अभी भी हम 25-30 सालों से एनडीए हैं, तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, तो इसमें हम हार अपनी नहीं मानते हैं। हम तो कहते हैं कि एनडीए में जो है एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार आने जा रही है। अच्छा, अब रही बात दूसरे विपक्षी लोगों के खुश होने की, 400 पार नहीं हुआ क्या हुआ, तो तीसरी बार 240 अगर भाजपा का ही हम जोड़े तो 240 का आंकड़ा कम नहीं होता है। 2004 में कांग्रेस जो है 147-148 पर आकर सरकार बनाई थी, यूपीए की सरकार, दूसरा 209 पर लेकर आई, उसमें सरकार बनाई, उनसे तो कम से कम हम बेहतर हैं। अगर इन चीजों का हम आकलन, अभी तो देखिए ये तो आज रुझान और आंकड़े जो भी आएंगे हम इस पर समीक्षा जरूर करेंगे कि हमसे कमी कहाँ रह गई, जनता के पास हम क्या नहीं पहुंचा पाए, जनता को क्या अपेक्षा थी, ये अभी समय लगेगा, एक आध महीने में सबसे पहले समीक्षा हम ही करते हैं और करेंगे भी। रही बात सरकार बनाने की,
तो आप और विरोधियों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। अभी अच्छा। तक का जो रुझान आ रहा है वो एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हम खुशी मना रहे हैं, हमारी सरकार जो है अरुणाचल में बनी, हमारी सरकार उड़ीसा में बन रही है, हमारी सरकार एनडीए की आंध्रा में बन रही है। आंध्रा में हमको एक सीट नहीं था, देखिए 4-5 सीटों पर हमको बढ़त दिखाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत उसकी बात नहीं है, और इन लोगों के खुश होने की ये बात है कि चलो भाई अच्छी बात है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है, उत्साह है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अब क्या चाहते हैं? अरे भाई हम कहां कह रहे हैं, जो व्यक्ति देखिए एक अच्छी बात है, अगर 5 पर रविंदर भाई थे और वो 35 पर चले गए तो 30 सीट का जो इजाफा हुआ है, भले ही अव्वल ना आए हो वो सरकार में पीछे रह जाएं, तो लेकिन पटाखा फोड़ने का हक तो है ही है, लोकतांत्रिक रूप से पटाखा फोड़ने का हक तो है उनको। कांग्रेस जो है 53 सीट पर थी, अब 98-99 पर दिख रही है, उसको भी पटाखा फोड़ने का हक है। मगर जो 272 का संवैधानिक आंकड़ा है वहां पहुंचेगा जो वो सरकार बनाएगा ना, तो सबसे ज्यादा बड़ा पटाखा फोड़ने का हक किसको है ये देख लीजिए, इंडिया अलायंस को या इंडिया को, क्या नाम है, एनडीए को। कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर 36 सीटों पे लीडिंग कर रही है तो 27 के लिए उत्तर प्रदेश में खतरे की घंटी है आपके लिए, ये मानेंगे नहीं मानेंगे? देखिए हम कैसे कहें कि अभी मानेंगे, देखिए मैं अभी कई जगह जैसे मुजफ्फरनगर में 5,900 वोट से ये आगे चल रहे हैं, दूसरा सीट है 8,000 वोट से धौरहरा आगे चल रहे हैं, 1985 वोट से फरुखाबाद आगे चल रहे हैं जी, उसके बाद 200 सलेमपुर जो है जी कभी ये आगे चल रहे थे, अभी हम इस समय आगे हो गए हैं 200 से, तो ये कुछ सीटें हैं अभी बहुत बदलेंगी। लेकिन अगर इसको लेकर हम 27 की बात करें तो 27 में अभी 3 साल है, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करके उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत माकूल है, और हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। क्या कमी रह गई, बड़े मुद्दे उठा लिए, पिपच रहे हो आप, उसको सुलझा नहीं पाए, कमी रह गई? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम तो यही लेकर जाएंगे ना जनता के पास कि हम समीक्षा करेंगे कि हम क्या चीजें पहुंचा नहीं पाए, जनता से अपेक्षा क्या थी, क्या कमी रह गई, ये सब लेकर जाएंगे। और 27 के चुनाव में फिर देखिएगा कि जो हम 37 साल का रिकॉर्ड तोड़े हैं फिर हम आएंगे, उनका भी बढ़ा है, पिछली बार देखिए वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, वो बढ़ा है, वो भी लड़ाई करेंगे। देखिए मैजिकल आंकड़ा 202 का है, 203 का है, तो अब वो जो ले आएगा वो सरकार बनाएगा, अब ये जनता के हाथ में है, लेकिन हम तब तक मेहनत करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर रविन भाई, चलिए रविन भाई क्या बोलेंगे भाई, कुछ भी कर ली सरकार तो यहाँ अधिक ही बन रही है, भले आप किसकी जा रहे आएंगे कोई बात। गौरव जी भाई जी बोलिए, रविन भाई माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी माइक अनम्यूट कर लीजिए रविन भाई जी। जी अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए जी। विवेक जी मैं ये कह रहा था कि सत्ता पक्ष के लोगों को आज जरूरत पड़ा, पिछले बार कहा था। अब अमित भाई मैं आपको बार में लूंगा, रविन भाई बोल रहे, बोलिए बोलिए रविन भाई बोलिए कि रविन जी का फोन बंद हो जाएगा, तो हमने शाही जी से कहा था एक फोन भेज दीजिएगा, जो उन्होंने फोन भेजा नहीं। अच्छा तो मेरा फोन खुला हुआ है। अच्छा फोन भेजा नहीं तो मेरा फोन खुला हुआ है जी। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता का और देश की जनता का बधाई कि वो वास्तविकता में लोकतंत्र में विश्वास रखती है और समाजवाद में विश्वास रखती है। अच्छा 370 काल्पनिक आंकड़े वालों को लागे 240 में रोक के ऐसी हालत पैदा कर रखी है कि उसको ये एहसास हो जाए कि भारतीय जनता को बहुत दिनों तक ठगा नहीं जा सकता है। अच्छा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का
एक प्रमुख पार्टी बन के उभरी है, दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है, राष्ट्रीय स्तर पे हम तीसरे नंबर की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं। ये हमारे संघर्षों का परिणाम है, जो शाही जी कहा करते थे कि हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरी ये बात है कि अगर आप देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर गठबंधन, उनका गठबंधन जी 80 में 80 जीतने वाला, ये क्या हो गया? ये तो शाही जी अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, ये 5 मिनट तक नहीं टरकाएंगे, अभी बता देंगे ऐसा क्या हो गया। दूसरी अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी का अपर पार्ट पूरा हम लोगों ने जीता है, जो रुझान आ रहे हैं जीत के, द्वाबा पूरा जीता हुआ है, तराई के बाद जीते हैं, सेंट्रल यूपी का हिस्सा, ईस्टर्न यूपी तो पूरा साफ ही कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का संघर्ष है, हमारी उस साइकिल यात्रा का बहुत बड़ा रोल है, जो साइकिल यात्रा हम लोगों ने लगभग 1.5 साल चलाई थी, और इन्होंने जो जन कल्याण के विरुद्ध कार्यक्रमों किए उसका एक बहुत बड़ा है। 2005 बजने दीजिए, 5 बजते बजते ये सरकार बाहर हो जाएगी और पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और हमारा एक अहम रोल रहेगा क्योंकि हम दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं इंडिया गठबंधन में। जी धन्यवाद। मैं समझ गया आपका कौन सा रोल रहने वाला अगर आप यहाँ सरकार बनती है, क्योंकि इच्छा तो सबकी जागृत हो रही होगी अंदर ही अंदर। यार मैं इच्छाओं की बात नहीं करूंगा, मैं अमित जी को ले लेता हूँ। अमित भाई क्या बोलेंगे भाई? अमित गुरु क्या बोलेंगे भाई? अमित गुरु बोलिए। गौरव जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, पिछले 10 साल को आप तो दो तरह से आप देखिए, मोदी जी की जो सत्ता थी, जिसको बीजेपी का नाम दिया जा रहा था, मोदी की सत्ता कह के संबोधित किया जा रहा था, पिछले 10 साल को आप में देखिए, पहला जो फेज था 2014 से लेके 19 तक का, वह था वादा खिलाफी फेज, जिसमें 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, कालाधन लाने की बात कही गई थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, महिलाओं के लिए तमाम वादे किए गए थे, सारे के सारे फिसड्डी निकले। फिर आइए 2019 से 24 के बीच में, यह वह समय है जब वादा खिलाफी से अलग हटके बीजेपी ने तानाशाही और मनमानी को जन्म दिया। मनमानी और तानाशाही किस रूप में, किस ढंग से इन्होंने अग्निवीर योजना लाई, किसानों के आंदोलन को, उनके हक की बातों को किस तरह से इन्होंने नजरअंदाज किया, महिलाओं की अस्मिता पर जब जंतर मंतर पर महिला पहलवान लड़ाई लड़ रही थी उस समय किस तरह से उनके धरना का दमन किया गया, और तो और राम मंदिर के निर्माण और उसके उद्घाटन को लेकर देश के जो 4 शंकराचार्य थे उनके किसी भी सुझाव को अनसुना और मनमानी तरीके से देखना, और साथ ही साथ तमाम ऐसे वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो या अन्य कोई कर्मचारी का तो एक बड़ा समूह हो, किसी को भी धरना करने तक की अनुमति नहीं थी, बड़े बुरे तरीके से उनको पीटा और मारा जाता था। तो यह जो 5 साल का तानाशाही का काल था, इन सबको जज करने के बाद जनता इस नतीजे पे आई कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। अभी 1 से 2 घंटे में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी जा रही थी। तीसरी बात, आपने देखा किस तरह से मोदी जी लगातार मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, वह गारंटी पूरी तरह से हवा हवाई साबित हो गई, फुस हो गई। गारंटी को जिस तरह से जनता ने नकारा है, और राहुल जी के साथ साथ तमाम अन्य दल जो इंडिया गठबंधन में हैं, उनके वादों को जिस तरह से सर आंखों पर देश की जनता ने लिया है, यह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और एक महत्वपूर्ण बात जो अब मैं करने जा रहा हूं वो ये है, पिछले आप गौरव जी पिछले 4-5 दिनों से देख रहे होंगे एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, ये एग्जिट पोल मैं इस टीवी कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो टीवी चैनल्स के मेन स्ट्रीम की मीडिया है या प्रिंट में भी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, इन लोगों का जो चाल था आपने देखा होगा कई महीनों से, ये लगातार उनके भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारों के साथ ये लगातार बहते जा रहे थे, और कहीं ना कहीं से देश की जनता को गुमराह करने के षड्यंत्र में ये बीजेपी के साथ शामिल थे। कल तक ये 401 सीटें बीजेपी को दे रहे थे, कोई 395 दे रहा था, कोई 375 दे रहा था, कोई 360 दे रहा था, इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ ये जिता रहे थे। और आज सुबह से लेकर अभी तक आप लोग जो आंकड़े रुझान दिखा रहे हैं, ये आंकड़े और रुझान
ये कल तक के उठ फर्जी वादों से बिल्कुल दूर है। यानी कि कहीं ना कहीं से तमाम लोग और जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग को तो बड़ी जलालत झेलनी पड़ी है और उन जलालत के बीच में किसी तरह से ये काउंटिंग हो रही है। अरे आप अमर खुशी है भाई, अमर खुशी कोश नहीं रहा मैं। नहीं नहीं श्रीवास्तव जी, गौरव जी आप ध्यान से सुनिए, मैं कोश नहीं रहा हूँ। देश में बहुसंख्यक लोगों ने कहीं ना कहीं से अपने वोटों की हिफाजत की बात की है। आप दूसरी जगह, हम ईवीएम का विरोध तो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, हम ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम को हैंडल करने वाले लोग जो पीछे से काम आ रहे हैं, हम जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। शाम तक देखिए अभी परिणाम क्या आता है। लेकिन मैं कहूंगा कि नोटबंदी के खिलाफ, गलत जीएसटी के खिलाफ, अग्निवीर योजना के खिलाफ, किसानों के शोषण के खिलाफ, सत्ता की मनमानी के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। और शाम होते होते इंडिया गठबंधन की सरकार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बनेगी और बड़ी शालीनता से हम सरकार भी चलाएंगे, शालीनता सरकार चलाएंगे। चला ले, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या होने वाला। फिलहाल मैं आंकड़े भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ले लेता हूँ। इस समय जो मौजूदा आंकड़ा है 280-85 और 253 का है, 10-15 सीटें जहाँ इधर उधर हुई, सरकार का खेला खत्म। बीजेपी तो वैसे भी अल्पमत में आ गई है, जो अकेले 370 पार कर रही थी वो खुद बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई है, बहुमत से पीछे है। और अभी तो उनके घटक दल जिनका उनके साथ सांस फूल रहा है, जो लोग ईडी सीबीआई और तमाम तरह के डर से बीजेपी के साथ चिपके हुए हैं, आज वो थोड़ी सी आजादी की राहत महसूस करेंगे और शाम होते होते मुझे पता है बात करने की जोड़ जोड़ की शुरुआत तो खैर हो ही गई है। मैं आमिर भाई को लेता हूँ, फिर उसके बाद दिनेश पटेल। आमिर भाई क्या बोलेंगे, बड़ा अनुभव आपका है, प्रवक्ता रालोद है, कैसे देखते हैं आपकी सीटों पर? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं वो कहने के मंथन वाले हैं और यहाँ पर समझने वाले हैं कि यहाँ पर कमी रह गई है। कहने की जनता ने यहाँ पर आपकी बातों को, आपकी गठबंधन की, आपके साथी की बातों को नकारा भी है और कुछ जगह यहाँ पर दिक्कत में है आपका गठबंधन। धन्यवाद गौरव जी। देखिए पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि कुल मिलाकर के हम एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। कहने को कुछ भी कहे माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल रहा मंथन का। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जब होती तो मंथन तो होना लाजमी है, लेकिन जो भ्रामक प्रचार किया गया विपक्ष ने संविधान को लेकर, जो प्रचार किया कि संविधान बदलने जा रहा है, ये इतना बड़ा प्रचार था गौरव जी। संविधान कांग्रेस ने भी कई बार संशोधन किया संविधान में, लेकिन इतना बड़ा झूठ जो विपक्ष ने इस बार बोला है मंचों से कि संविधान बदलने जा रहा है, इसको जनता ने सीरियसली ले लिया और ये चुनाव पार्टी बना होकर के जनता बनाम सरकार चुनाव हो गया गौरव जी। इसलिए कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें नुकसान सहना पड़ा। आप देखिए जी, इसी संविधान को लेकर के तमाम दलित वोट बहुजन समाज पार्टी को ना जाकर के गठबंधन को चला गया। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर जो नुकसान हुआ हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर वो ये हुआ। अब आ जाइए हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे बड़े भाई कह रहे थे जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कि संघर्ष तो समाजवादी पार्टी ने गौरव जी कहीं पर किया ही नहीं है। ये सिर्फ जनता बनाम सरकार चुनाव था, जो जनता की थोड़ी नाराजगी थी वो भी विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। आप गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, तमाम सूबों में, बिहार देख लीजिए, तमाम सूबों में हम बहुत आगे हैं इनसे, ये कहीं पर नहीं टिक पाए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, जो विपरीत वोट पड़ गया गौरव जी। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी चूक या विपक्ष का गलत प्रचार, संविधान को लेकर के जो प्रचार किया गया, आरक्षण को लेकर के जो प्रचार किया गया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, इसको दलितों ने, जनता ने बहुत सीरियस ले लिया। इसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर के आप बधाई के पात्र हैं, मैं बधाई फिर से दे दूं आपको और तमाम पैनलिस्टों को दे दूं अपने बधाई कि मोदी जी, माननीय मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए सरकार फुट प्रेस बनाने जा रहा है गौरव जी। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपने बात तो कर दी, पर यहाँ पर दिनेश पटेल को आपकी बात अच्छी नहीं लगी, वो कह रहे हैं आप लोग ऐसी बात मत बोलिए। दिनेश पटेल क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा भी बोल रहे हैं और यार नमस्कार। और आज का जो जनादेश मिल रहा है मतगणना के बाद जी, वो बस साफ बता रहा है कि देश की जनता ने एक तानाशाह को नकार दिया। उस तानाशाह को नकारा जो बुनियादी सवालों की जगह गाय भैंस की बात कर रहे थे। उस तानाशाह को नकारा
जो बेरोजगारी खत्म करने की जगह मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे। आप अक्सर भाजपा के नेताओं को टीवी के चैनलों में डिबेट के दौरान 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगाते हुए देखते होंगे, लेकिन आज मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है कि जो 400 पार 400 पार का नारा लगा रहे थे उनको जनता ने कह दिया तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। एक तो बात ये है। मैं उसके बाद देश की जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया। ये देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक संदेश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है कि आप जनता से जुड़ी हुई बुनियादी सवालों पे बात कीजिए, शिक्षा रोजगार पे बात कीजिए और उस पे वोट मांगिए, जनता उसी पे आपको वोट करेगी। संविधान बदलने की इन्होंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन ने गलत प्रचार प्रसार किया, तो मैं दुरुस्त कर दूं भाजपा के हमारे मित्र को कि आपके ही नेताओं ने संविधान की बदलने की बात बोली। अयोध्या से जो आपके प्रत्याशी थे लल्लू जी, इस समय वो संघर्ष कर रहे हैं, अगर कुछ घंटे और इंतजार कर लेंगे तो उनकी हार का सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। आपके ही प्रत्याशी मेरठ से अरुण गोयल साहब हैं, उन्होंने संविधान बदलने की बात की, ज्योति मिर्धा जी ने संविधान बदलने की बात की। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारे का मकसद ही था कि संविधान को बदल के देश में हम तानाशाही ला दें। दो बात अंत में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी तिवारा बनने वाले मोदी जी। इस गफलत में मत रहिए आप, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है इस समय। अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पुलिस और देश की जो हमारी जुडिशरी है वो दबाव में नहीं है, आपको करारा जवाब मिलेगा क्योंकि अब सभी जो एजेंसियां हैं जो हमारे संस्थान है वो निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। और जो भी आप ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अपने घटक दलों पर दबाव बनाते थे, जानकारी तो मुझे ये भी मिल रही है कि नीतीश जी को और जो टीडीपी के इनके मित्र हैं नायडू साहब को इनके नेताओं ने फोन किया तो फोन रीचेबल जा रहा है, फोन बंद बता रहा है। तो ज्यादा खुश मत होइए, आज इंटरनल सर्वे निकाल के लाया है, गठबंधन के सभी दलों की बैठक है, उसमें बड़ा संदेश आपको मिलेगा, मोदी जी को झोला उठा के गुजरात जाना पड़ेगा। ठीक है, सीमा जवाब दे दीजिए। गौरव भाई, एक्चुअली आईबी से जवाब आता था ना आम आदमी पार्टी के पास, तो आईबी वाला इन लोगों के पास सूत्र है, वही बताया होगा किसने फोन उठाया किसने नहीं उठाया। और जेल से हमको लग रहा 5 तारीख को जेल से नहीं निकल पाएंगे, बोले थे ना कि आप लोग वोट दे देंगे तो हम निकल पाएंगे, दिल्ली हार गए सब लगभग, पता नहीं 1 या 2 सीट पर पंजाब में आगे चल रहे हैं, क्या होगा अब स्थिति जब 2 MP की हो जाती है तो 240 जो ऑफिशियल आगे चल रहा है उसके लिए कह रहे हैं ये। अभी का लेटेस्ट आंकड़ा जो चुनाव आयोग का है 299 और 227 ये चल रहा है, सरकार किसकी बन रही है ये भी देख लीजिए। और टीडीपी और वो मान लीजिए कि चलिए अच्छी बात है, यहाँ तो संभावनाओं की बात है, आप कह रहे हैं टीडीपी का फोन नॉट रीचेबल है उनका है, तो भाई आपके तरफ जितने हैं क्या आपके जो है सारे जरखरीद थोड़े ही हैं, वो भी हमारे हम भी बात कर सकते हैं उनसे, ये बातें मत कीजिए आज, आज ये बात कीजिए 299 अगर हम हैं तो एनडीए हम साथ में। देखिए हम लोगों ने कहीं कहीं ना अभी हमारे साथ आपके साबरी साहब बैठे हुए हैं, जयंत चौधरी जी ने चाहे हमारे टीडीपी के नायडू साहब ने या जेडीयू ने या जितने भी हमारे 38-40 दल थे सबने माननीय मोदी जी को नेता माना था, हमने नहीं कहा था कि हम एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री बदलेंगे, यहां तो प्रधानमंत्री की मार है। ममता बनर्जी जी ने क्या कहा, हम बाहर से समर्थन करेंगे, कहा था या नहीं कहा था, बयान आया था तो सरकार अगर आप सबसे बड़ी बात है 272 के आंकड़े पर जब पहुंचेंगे तब 227-28-30 मान लेते हैं तब भी आपकी 42-43 सीट कम पड़ रही है, और हमारी 298-95 मान ले रहे हैं तो 72 से हम 28 सीट आगे हैं, दोनों में 50 सीट का जो है गैप है, अगर हम 25-30 घटेंगे तो आप 25-30 बढ़ेंगे तब ना जाके कुछ होगा मामला, ऐसा अभी आने नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो पूरे देश में हमको लग रहा है कि 20-25 सीट जो है कहीं पर हम 400-500 से आगे हैं, कहीं ये लोग 200 से आगे हैं, ये सीटों का फैसला 1-2 घंटे में हो जाएगा, नहीं तो
अभी आधी अभी एक घंटे हमको लग रहा है कि पौने तीन पौने चार हो रहा है गौरव भाई, ये 5 बजे तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जो कि रिजल्ट आ, अब देखिए अब कोई भी विपक्ष का जैसे रविंदर भाई शायद नहीं है और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो हैं, लेकिन ये लोग अब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। चुनाव आयोग भी अच्छा हो गया है अब इस समय, कल तक तो 150 लोगों को डीएम को फोन कर रहे थे गृह मंत्री जी, कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी जो है जवाब दे रहे वो कर रहे थे। तो ये तरीका जो है अब आज अचानक ईवीएम भी ठीक हो गई, चुनाव आयोग भी अच्छा हो गया, अब आज अभी एक अभी सूचना मिली है कि ये कांग्रेस के लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग, वो क्यों क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि भाई बड़ा काउंटिंग में देरी क्यों हो रही है। अच्छा, और यही हाँ यही लोग है कह रहे थे कि हम बैलेट से कराएंगे, भले 4 दिन में होता है, अमेरिका में होता है 4 दिन में आता है, अभी आज एक दिन में अभी पूरा दिन नहीं बीता, काउंटिंग में देरी होने लगी इन लोगों को। तो विपक्ष किस तरीके से हताश और निराश है कि ये क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं है। आज शाम तक देखिए हम और आप यही रहेंगे, शाम को आप ही सूचना और न्यूज चलाएंगे कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, 2 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है उसकी बधाई आपको, और केंद्र में भी हमारी सरकार बन रही है उसकी आपको बधाई। फोटो वार के में से जवाब चाहूंगा वो है कि नीतीश जी सबके हैं, इस पर भी अपना दो शब्द टिप्पणी कर देने निवेदन है। अरे भाई देखिए अब नीतीश जी सबके हैं, ये कौन वायरल कर, नीतीश जी का कोई बयान आ पाया है क्या? आप लोग इस तरीके की बात हल्की बात जो है नेशनल चैनलों पर मत किया कीजिए। अब हमारे रविंद्र भाई आ गए, रविंद्र भाई पूछ लेता हूँ, ईवीएम ठीक हो गई, चुनाव आयोग ठीक हो गया, सब ठीक हो गया एकदम, अब तो कुछ शाबाशी दे रहे हैं आप लोग, कल तक तो 150 DM को फोन कर रहे थे, अखिलेश यादव जी दंगा फैलाने के लिए ट्वीट कर रहे थे कि हल्ला हंगामा कर दो, सब खत्म हो गया मामला, सब शांत, एनडीए की सरकार शांति से बन रही है, उसका आनंद लें। हाँ, आपको भी उत्तर प्रदेश में बढ़ने के लिए सीधा मैं बधाई देता हूँ, रुझानों में ये दिख रहा है जी। अरे भाई बढ़ने के लिए बधाई, रुझानों में बढ़ना दिख रहा है, जीत नहीं दिख रही अभी। शाही जी ने जितनी बात कही है ये हताशा है, हताशा है, हताशा के अंदर की हताशा क्या साहब, जी 80 की 80 सीटें, 370 पार, 470 पार, और जो चलाए गए क्या नाम है प्रायोजित, क्या कहा जाता है 79, तो आप भी जीत रहे थे भाई, लीजिए आप भी जीत रहे थे भाई, आपके मुखिया ही बोल रहे थे एक सीट जो वाराणसी की जीतेंगे, बाकी 79 हम जीत रहे हैं, दावे तो आपके जो प्रायोजित जो प्रायोजित एग्जिट पोल चलाए गए, तो वो सारी चीजों की हताशा आप सामने दिखनी ही चाहिए। और जितने भी इन लोगों ने 10 सालों में जन विरोधी काम किए थे, तो उन जन विरोधी काम का नतीजा जनता ने दिया है, और मुझे लगता है कि अभी भी अगर थोड़ा भी नैतिकता है तो इस हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, हार को स्वीकार में बैठ के एक मजबूत विपक्ष के रूप की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे हार कहाँ है, लेकिन अभी भी हार कहाँ है, हार कहाँ है, बस पूछ रहे हैं जीत कितने पे होती है, अरे 272 को यहाँ पर जीत कितने पे है, 272 जीत कितने पे होती है, ये और इंडिया लड़ा, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया अलायंस की बात करिए भाई, जो ममता जी बाहर हैं, अभी भी बाहर हैं वो, आप इंडिया अलायंस और एनडीए लड़ी है ना चुनाव, यही दोनों लड़ी है ना, तो हमारा तो एनडीए जो है 297-98 दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है, तो 272 से तो बहुत आगे हैं, सरकार तो हमारी बन रही है, कहाँ रविंद्र भाई आप भी हल्की बात करते, चलिए 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 आप मतलब क्या कहते हैं खुशी के लड्डू खाते रहिए, एक आध लड्डू मैं भी भेज दे रहा हूँ खुशी के, और अभी आपने कल कहा था फोन नहीं खुलेगा, तो मेरा फोन खुला है, 5 बजे तक का भी इंतजार हम लोग कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है, और सरकार बनने के जो दावे थे 370 400 पार और 80 की 80 और भाग जाएंगे, फोन बंद हो जाएगा, ये सारी बातों के नतीजे जनता ने दे दिए है, 5 बजने में कितना देर है, अभी मुश्किल से 1 घंटा देर है, 1 घंटे के बाद पता लग जाएंगे नतीजे, और जो नतीजे आएंगे वह ये निश्चित रूप से प्रूफ करते हैं कि भारत का जो जनमानस है वो बहुत दिन तक उन्माद और झूठ के सहारे उसको नहीं चलाया जा सकता है,
ये इस परिणाम का इन दो शब्दों में नतीजा है। जी धन्यवाद। ठीक है, मैं यहाँ पर अमर भाई को लेता हूँ। अमर भाई, आपके सहयोगी तो बोल रहे हैं कि जो है पूरी सरकार बन रही, पर नवीन भाई इसको सिरे से नकार रहे हैं, सिरे से नकार दे रहे हैं। यहाँ पर समर्थन गौरव जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में जितने भी दल हैं, कोई दल कहीं फिरक के नहीं जा रहा है और सब ने, सारे दलों ने माननीय मोदी जी को अपना नेता माना है। और वही अगर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अखिलेश जी फूटी आंख कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं, उधर आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस ईमानदार नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो बेईमान है, ईमानदार नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इधर अखिलेश जी भी कह चुके हैं कि चालू पार्टी है, भरोसे के लायक नहीं है। आज अभी देखिए, थोड़ी देर अभी कल तक ईवीएम पर ऐसे ठीकरे फोड़े जा रहे थे कि ईवीएम मोदी बेईमान, ईवीएम बेईमान, चुनाव आयोग चोर। आज देखिए रवि जी के चेहरे पर माशाल्लाह कितनी मुस्कुराहट दिख रही है, वो कितनी अंदर से खुश है। और हम कहते हैं ईश्वर करे इनकी खुशी बरकरार रहे कि आप देखिए इनकी बढ़त होती ये खुश है। और अगर कहीं ये तीन चार सीटों पर सिमट जाते गौरव जी, तो अभी यही मुंह भर भर के ईवीएम को कोस रहे होते और चुनाव आयोग को गाली दे रहे होते और माननीय मोदी जी को बुरा भला कह रहे होते। तो कुल मिला करके सच्चाई ये है कि हम करें सो पुन, तुम करो सो पाप। अब हम जीत रहे तो ईवीएम अच्छी हो गई, और अगर अभी हम हार रहे होते तो यही ईवीएम चोर थी और चुनाव आयोग चोर था। क्या गौरव जी दोहरे मापदंड है। आप देखिए दलों की जहां तक बात है तो मैं बहुत सफाई से कह चुका हूँ कि हमारे अंदर कोई फूट नहीं है। अभी ये लोग प्रचार कर रहे हैं नीतीश जी को लेकर के, ये लोग प्रचार कर रहे हैं नायडू जी को लेकर के, कोई कहीं नहीं जा रहा है गौरव जी। और एक बात कानूनी तौर से समझ लीजिए कि जो दल बड़ा होगा उभरेगा, सिंगल दल, राष्ट्रपति जी उसी को बुलाएंगे और जिसको बुला लेंगे उसका बहुमत 110% साबित हो जाएगा। और आज की तारीख में हम बहुमत में हैं और 299 नहीं, हम 300 का अगला क्रॉस कर जाएंगे घंटे बाद, आप देख लीजिएगा। और यही इंडिया गठबंधन आपने तो बोलना भाई, दिनेश पटेल और रविंद्र भाई को समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई? आपने तो बोलना आखिरी की बात करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनकी समझ में 2014 नहीं आया, 17 नहीं आया, 19 नहीं आया, 22 नहीं आया, इनकी समझ में कभी नहीं आएगा। और इनकी समझ में आज कभी चुनाव नहीं आएगा। अब ये बात नहीं एक जानकारी और मिल गई है, भाजपा शुरू हो गई है। अब हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, जेपी नड्डा साहब के सिर या मोदी साहब के सिर या योगी साहब के सिर? सब आपस में लड़ रहे हैं और बहुत जल्द इंतजार करिए शाम को अरे नहीं, सुन लीजिए गौरव जी, जो अखिलेश जी हमारे उप प्रधानमंत्री का सपना लिए बैठे हुए थे वो सपना तो चकनाचूर हो गया, पहले समझ लीजिए आप। और बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कांग्रेस ईमानदार पार्टी नहीं है। तो अभी ठिकरा कौन किसका सर फोड़ेगा, ये अभी 2 घंटे अभी सवर रख लीजिए और 2 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई हार का जिम्मेदार नहीं है। हार का जिम्मेदार जिम्मेदार कौन है? इस करारी शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? नड्डा साहब या मोदी साहब? अरे हम सब शिकस्त है भाई, करारी शिकस्त वो होती है कि सरकार के बाहर हो जाए। हम सरकार में हो गए, हमारी करारी शिकस्त नहीं है। बाकी कहीं हम लूज किए हैं उसके पीछे करेंगे। नहीं पा रहे आपकी करारी शिकस्त है, जनता ने कह दिया तड़ी पार। आप कह रहे थे चार सौ पार ना होइए, हम बहुमत हो चुके हैं, आप परेशान ना होइए, सरकार हम बना रहे हैं। आप कह रहे थे तड़ी एक छोटी सी कहानी है कि अगर एक व्यक्ति जो है अच्छा स्टूडेंट 2 एग्जाम में पास होता है और तीसरे एग्जाम में भी मान लीजिए वो पास हो जाता है, वो सेकंड डिवीजन हो जाता है, थर्ड डिवीजन हो जाता है, तो एक जो सबसे खराब विद्यार्थी होता है जो लगातार फेल होता आ रहा है और इस बार भी फेल है, वो सवाल कर रहा है कि भाई आप पास नहीं हुए, तो ये तो बड़ा ही एक जो है निंदनीय और वो अब क्या कहा जाए, जो अरविंद भाई कह रहे हताशा, जीतने वाला हताशा में है और हारने वाला खुशी में है। तो लड्डू तो अरविंद भाई आपसे हम खाएंगे ही खाएंगे जीत का, एनडीए की सरकार बनने का, और आपको भी खिलाएंगे लड्डू, आप चिंता मत कीजिए। एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार बन रही है, गौरव भाई के कार्यालय में हम लोग बैठ कर लड्डू खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हैं? ठीक है भाई, मुझे लड्डू खाने मिले सरकार किसी की भी बने, मुझे तो लड्डू खाने मिलेंगे। खैर छोड़िए, मैं आप दिनेश पटेल को लेता हूँ। दिनेश भाई क्या बोलेंगे, कुछ बोल रहे थे दिनेश पटेल, बोलिए। देखिए जी, योगी जी को लेकर के गुजरात की एक बहुत बड़ी लॉबी पहले से ही डरी हुई थी और उनको हटाने को लेकर के चिंता
उनके मन में था, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम सभाओं में बताया। अब अंतर कला इनके बीच ये शुरू हो गई है कि आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े चैनलों में हार की जिम्मेदारी मोदी की जगह नड्डा साहब को देना शुरू कर दिया उन लोगों ने। पहले जब वो एग्जिट पुल की बात कर रहे थे तो बड़ी बड़ी फोटो मोदी जी की लगी हुई थी। सुबह से जैसे ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आने लगे, धीरे 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 मोदी जी को हटा करके नड्डा साहब की फोटो बड़े बड़े न्यूज के जो एंकरों ने लगा दी। यानी निर्देश सुबह से ऊपर से आ गया, बीजेपी मुख्यालय से उन चैनलों को निर्देश आ गया है कि मोदी जी की छवि पे आंच नहीं आनी चाहिए। अच्छा, समस्या इस बात की है कि यूपी वर्सेस गुजरात भारतीय जनता पार्टी में अंदर से पहले से चल रहा था। योगी जी को हटाने को लेकर के गुजरात की बहुत बड़ी लॉबी पहले से लगी हुई थी। आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो थी, लेकिन मोदी जी के पक्ष में नहीं थी। तो अंतर कला इनकी जग जाहिर है। जेपी नड्डा साहब ने बोला कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के उस बड़े चेहरे के नीचे दब गई थी, आरएसएस भी दब गई थी। इस कारण से जो विरोध के स्वर थे वो मुखर रूप से नहीं आ रहे थे, लेकिन अच्छा, अब जेल में आप इंतजार जेल में शुगर तो नहीं बढ़ रहा होगा उनका। आरएसएस विजय आखिरी बार कुछ बोल रहे हैं, जनता पार्टी के बड़े नेता ऐसा बयान देने वाले हैं जिससे मोदी जी को गुजरात जाना पड़ेगा। अरे अश्री साहब कुछ बोल रहे हैं, देश के तानाशाह प्रधानमंत्री जी ने केवल देश में तानाशाही नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने भी तानाशाही की। पटेल जी जवाब दे रहे, बोलिए। वो जेल में कहीं शुगर तो नहीं बढ़ रहा होगा कि 13 में 13 आप जीत रहे थे और 2 भी नहीं जीत पाए अभी तक? तो ये तो अब एक पता करने वाली बात हो सकती है कि भाई कहीं जेल में शुगर ना बढ़ा हो। तो मैं बता दूं, 13 में हमको 2 सीटों पे सर्टिफिकेट मिल भी गया है। माननीय चुनाव आयोग से बोलिए कि कृपया दो 13 में 13 जीत रहे थे, 2 सर्टिफिकेट मिलने की बात बोल रहा हूँ मैं, सर्टिफिकेट मिलने की बात। आपका खाता भी नहीं खुला वहाँ पे। कितने हम तो थे ही नहीं भाई, गोली चलाने वाले, किसानों पे गोली चलाने वाले, रोडों पे कील लगवाने वाले लोगों पे किसान ने, पंजाब और हरियाणा की जनता ने वापस भेजने का काम किया है। और इंतजार करिए, गुजरात भी आप वापस जाएंगे। अच्छा, अरे ठीक है, जवाब दीजिए। ना देखिए, गुजरात में तो भाई चलिए ठीक है, सबको लड़ने का हक है, लेकिन गुजरात की जनता ने जो है वहां से नकार दिया, हिमाचल की जनता ने नकार दिया, राजस्थान की जनता ने नकार दिया। तो कहने के बाद लड़े तो ये आसाम में भी थे जाके, लेकिन अब होम ग्राउंड में हार गए, उत्तर प्रदेश में होम ग्राउंड में हार गए, बिहार में हार गए भाई, महाराष्ट्र में पार्टी जिसको आपने पार्टी तोड़ लिया, शिवसेना जी की पार्टी तोड़ ली, उधर ठाकरे जी को कितना परेशान आपने किया, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ ली। तो अगर इसी को जीत आप मान रहे हैं तो जीत आपको मुबारक हो भाई। अगर ये जीत आप मान रहे हैं तो जीत मुबारक हो। अब कल आज शाम के बाद, अब कल के बाद सरकार किसकी बनती है उस पर विचार करिएगा, देखा जाएगा सरकार कौन बनाएगा। किसी के दबाव में नहीं है, अरे ईडी सीबीआई, अरे अभी तक चुनाव आयोग खराब था, चुनाव आयोग अच्छा हो गया, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग से निवेदन है, कृपया आप भी बोले कि कृपया रिजल्ट साइट पे अपलोड करिए, मोबाइल पे जाइए, लैपटॉप पे जाइए, साइट पे अपडेट नहीं आ रहा है, जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको। अरे तो अपडेट नहीं आ रहा, उसके लिए भी जाइए, आप लोग अपडेट लीजिए जी, आप लोग अपडेट लीजिए, ज्यादा अच्छा है, सफाई करनी जरूरी है जी जी, जरूरी है। अभी मैं कुछ बोल रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे बहुत देर से, साही जी बोल रहे थे भाई, ऐसी कौन सी बात कर दी साही जी ने? अभिन भाई देखिए, जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, लग रहा कुछ जो उनकी अपेक्षाओं जी पे खरा नहीं उतरा है, पन आ रहे हैं तो रुझान में अभी भी उत्तर तो हमसे दोस्त तो पूछ रहा हूँ, 80 सीट कुछ तो बोल दीजिए भाई आप जी, का वहां का बात जी जी, आपकी आवाज कट जा रही है जी, जी। और फिर पूरा ईस्टर्न यूपी जहाँ के मोदी जी हैं, जहाँ के प्रॉब्लम है आज, मुझे लगता है कि आपके जो अंबानी मित्र हैं उन्होंने साथ दे रहे हैं। तो अच्छा जा, आप जियो लगवाए क्या? मुख्यमंत्री आते हैं ईस्टर्न यूपी से, इनका सफाया हो गया। आप जियो लगवाए क्या? जियो ही है अंबानी तो, भाई जियो बटवाए थे क्या सबको आप? पूरी तरीके
लगता है, लगता है। जियो है, जियो है, जियो है, नहीं चल रहा, सुबह से चल नहीं रहा। देखिए देखिए सर, देखिए सरकार जैसे बदलने लगी तो इनके जो मित्र हैं उनका नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा। तो लीजिए लीजिए जी, तो ईस्टर्न यूपी के परिणाम जो बताते हैं कि ना तो मोदी जी ने कुछ काम किया, ना तो योगी जी ने कुछ काम किया, नहीं तो इस प्रकार के परिणाम ईस्टर्न यूपी से नहीं आते। ये 80 की 80 सीटें कह रहे थे तो ईस्टर्न यूपी में इनको वर्चस्व का अपना कायम करना चाहिए था, लेकिन ईस्टर्न यूपी से और द्वाबा से, वेस्टर्न यूपी के अपर पार्ट से, तराई से इनका सफाया हो जाना, खासकर इनके उस मंत्री को जो थार लेके चढ़ा देता है किसानों पे, उसकी हार, ये बताती है कि इनके जन विरोधी, इनके जन विरोधी जो नीतियां रही हैं उसके खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है। ये मैंडेट पूरे भारत वर्ष में है और ये 240 सीट पे अटके हैं, 240 से ये घटेंगे, इससे आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप जोड़ तोड़, तो जोड़ तोड़ में तो माहिर हैं, लेकिन इनकी जोड़ तोड़ अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल से लगातार असफल होते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 220 सीटों तक ये जाके सिमट जाएंगे और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। ठीक है, सही जवाब दिए, फिर मैं चर्चा को खत्म करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, रविंद्र भाई आप इसी मुगालते में दिल को बहलाने को गाली भी, अभी ख्याल अच्छा है, आप लोग चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 240 है, उससे ऊपर बढ़ेगी और एनडीए सरकार बना रही है, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो रहे हैं और आप लोगों के जो ख्वाब है वो ख्वाब जो है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, गाना गाते रहिए आप लोग, कहानी यही समाप्त है आप लोगों की, 5 साल अभी प्रयास करिए। ठीक है, आप सभी का इस चर्चा में जोड़ने के बहुत धन्यवाद, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा के दौरान सबने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए, पर यहाँ पर जो मुख्य फैसला है वो यहाँ पर कुछ समय बाद यानी लगभग 1 से 2 घंटे बाद आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने इस बार जनाधार किसको दिया है, कौन साथ में रहा है और किसको जनता ने पसंद किया है। हालांकि यहाँ पर एनडीए सरकार बनाने की तरफ जरूर है क्योंकि सीटें बता रही है कि एनडीए इस पर सरकार यहाँ पर बना लेगी, पर यहाँ पर चूंकि विपक्ष भी पूरी लय में और पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर उनसे दो दो हाथ करता नजर आ रहा है। सरकार किसकी बनेगी 2 घंटे पता चल जाएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प था, चुनौतीपूर्ण था और यहाँ पर चुनाव ने जो आंकड़े दिए हैं वो मंथन करने वाले हैं, यहाँ पर सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। अगर विपक्ष यहाँ पर पीछे रह जाता है तो कारण क्या रहा, अगर सत्ता पक्ष को यहाँ पर स्पष्ट बहुमत केवल पार्टी को नहीं मिलता है तो कारण क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत सबने बहुत की थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 41 दिन में 200 से ज्यादा सभाएं की थी, मेहनत की थी, लगन के साथ, नीति के साथ, परिणाम यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अब कमी किसकी रह गई है ये जनता के बीच जाकर ही पता चलेगा, जब जनता के लिए चुनाव के लिए जाते थे, अब जनता के बीच कमी के लिए जाइए और उसे पूछिए कि आखिर में गलती किसकी है और यहाँ पर हमारी नीतियों से आपको परहेज क्यों हुआ। तो अब की चर्चा में इतना ही, देखते रहिए सीरीज भारत और लगातार अपडेट जानते रहिए इस लोकसभा चुनाव के महासमर के परिणामों के हमारे टीवी चैनल पे, हमारे सीरीज भारत पर। नमस्कार। जमकर हो रहा है अवैध रूप से रेत का स्टॉक तथा